कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे कमाई के हिस्से के बारे में कुछ पूछा गया। तो क्या हुआ, आइए बताता हूं। वीडियो में रिपोर्टर ने रंजन अग्निहोत्री से फिल्म की कमाई पर कश्मीरी पंडितों को देने की मांग की, जिस पर विवेक अग्निहोत्री गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। रिपोर्टर ने पूछा कि कमाई हुई है तो आखिर क्या आप इस कमाई का कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देंगे? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री इसका कोई सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए और वो गोल गोल का वीडियो लगातार ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अग्निहोत्री ट्रोल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्री कमाई का कोई हिस्सा नहीं देंगे, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, साथ में ही उनको दर्शक चाहिए और कमाई का पूरा हिस्सा वो अपने पास रखेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अग्निहोत्री सिर्फ दुख को दिखाना चाहते हैं और इस दुख के नाम पर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। इस वीडियो में रिपोर्टर ने पूछा था कि फिल्म से जो कमाई हो रही है इसका कुछ हिस्सा क्या आप पंडितों को देंगे? इस पर विवेक ने कहा, कमाई होगी तब बात करेंगे। तो रिपोर्टर ने पूछा, कमाई हो तो रही है सर? जिस पर उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है, यह गलतफहमी है आपकी। इस वीडियो पर अब मीम बनना शुरू हो चुके हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामना ने एक मीम अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश के लिए जान देने को तैयार हैं पर देश के लोगों को पैसा देने के लिए नहीं। उनके ट्वीट पर लोगों ने खूब सारी चुटकियां लेना शुरू कर दिया है और ये मीम लगातार वायरल हो रहा है और कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर हजार लोगों ने रीट्वीट भी किया है। वहीं मिस भसीन ने विवेक अग्निहोत्री का सपोर्ट करते हुए लिखा कि मैंने किसी खान को 300 करोड़ रुपए कमाई करने के बावजूद एक फूटी कौड़ी भी किसी को देते नहीं देखा, तो फिर ये क्यों दें, कृपया बताए मुझे कोई। वहीं प्रशांत नाम के यूजर ने जवाब देते हुए लिखा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को भुना भुना के पैसे कमाए अग्निहोत्री और डोमिनेट करें सलमान, आमिर और शाहरुख, सही है अंधभक्तों तुम्हारा लॉजिक। वहीं अरजीत ठाकुर ने लिखा कि सफलता देखकर जलन हो रही है इन वामपंथियों को, अब ये डर रहे हैं कि विवेक साम्यवाद की वीडियो को तोड़ने के लिए और फिल्म बनाएंगे। वहीं कबीर ने लिखा कि देश के नाम पर बहुत लोगों ने खाना पकाया है, बनाया है। वहीं राघव देशभक्त ने लिखा कि क्या पत्रकार ने हैदर और परजानिया फिल्मों के निर्माताओं से यही सवाल पूछा था क्या? क्या उन्होंने कभी कश्मीर के पंडितों पर अपनी कमाई से एक पैसा खर्च किया? ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर जंग कई दिनों से छिड़ी हुई है। ये रूस यूक्रेन की जैसी जंग है भारत में, अगर हम देखें तो। इस फिल्म की कहानी को कई लोग सच बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे महज प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। बता दें कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा कमाल प्रदर्शन कर रही है। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली है, लेकिन 200 करोड़ करे या 300 करोड़, लेकिन ट्विटर पर जिस प्रकार का बवाल मचा हुआ है, लोग एक दूसरे से भिड़ पड़े हैं, जिसमें रंजन अग्निहोत्री भी कभी कूदते हैं, कभी पल्लवी जोशी, कभी अनुपम खेर कूद पड़ते हैं तो कभी कोई और। वहीं कुणाल कामरा का ये जो ट्वीट है लगातार वायरल हो रहा है। आपने इस फिल्म को देखा है तो आप क्या कहते हैं? और वहीं क्या कमाई का कुछ हिस्सा रंजन अग्निहोत्री को कश्मीरी पंडितों को देना चाहिए या नहीं? आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइंस।